नमस्कार, मेरा नाम शरण्य बारिक, डेपुटी एक्साइज कलेक्टर दार्जिलिंग सदर रेंज। कल 24 तारीख को हम लोगों का एक रेड हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ ए सीक्रेट एंड क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन कि कश्यम का कोई एक दुकान है, कश्यम का एक दुकान में फेक लिकर या फिर फेक लिकर, फेक जैसा, पहले हम लोग तो नहीं बोल सकते वो फेक है, फेक जैसा लिकर वहाँ पे सेल हो रहा था। एक कंप्लेन आया था मेरा कश्यम का जो ओसी है ओसी के पास कि वहाँ पे बीपी खरीदने के बाद वो बीपी का टेस्ट थोड़ा अलग है। तो इसका सूत्र मुताबिक हम लोग वहाँ पे गए, जाने के बाद हम लोग वहाँ पे जाके उनका जितना रजिस्टर है, रजिस्टर वगैरह सब चेक किया। चेक करने के बाद हम लोगों को अनऑथोराइज लिकर मिला बहुत सारा, जैसा हम लोगों को 9 बॉटल ब्लेंडर स्प्राइट मिला, ग्लेनलिवेट मिला 6 बॉटल, वैलेंटाइन 10 बॉटल, जैक डेनियल मिला 4 बॉटल, ब्लैक लेवल 2 बॉटल एंड रेड लेवल मिला 1 बॉटल एंड ग्लेनफिरिच सिंगल माल्ट व्हिस्की मिला 9 बॉटल। लगभग हमको 30-31 बॉटल लिकर हम लोगों को वहाँ पे मिला। पर वहाँ पे जो हम लोगों को इंटरेस्टिंग जो बात था कि हर एक बॉटल में जो होलोग्राम रहता है वेस्ट बंगाल एक्साइज का, ये होलोग्राम में हर एक को हम लोगों ने स्कैन किया, जो हम लोगों का टॉकिंग पेन होता है, टॉकिंग पेन स्कैन करने के बाद उसमें हर एक का जो सेम रिजल्ट आ रहा था रॉयल स्टैग का। पर बॉटल जो ब्रांड है, ब्रांड डिफरेंट है, क्योंकि ब्रांड का बैच नंबर के साथ जो हम लोगों का जो होलोग्राम का स्कैन कोड का रिजल्ट एक साथ नहीं मिल रहा था। फिर हम लोगों ने वहाँ पे उनको पूछताछ करने से उन्होंने बोला कि कोई भिकी प्रसाद बोल के जो लड़का वहाँ पे था, जो अनऑथोराइज एक पर्सन जो वहाँ से रैंडमली सेलिंग कर रहा था, उन्होंने बोला कि कोई शादी का माल बोल के उसको डिस्काउंट देके उसको माल लेकर गया है। एंड देन हम लोगों ने और अच्छी तरह से पूछताछ किया और दोनों का कलर का भी वेरिएशन है, जो दूसरा दुकान से हम लोगों ने उसका फ्रेश सैंपल लाया। सैंपल लाने के बाद जो हम लोग प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन में जो लगा कि दिस इज सपोज टू बी अ फेक, एंड फिर उनको ज़्यादा इंटरव्यू करने से पता चला कि वो ये चीज़ उन लोगों ने कोई शादी का माल बोल के कोई उनको दे रहा था। और इसका मार्केट वैल्यू 1,20,000-1,25,000 होगा, उसको 65,000 या 70,000 में उसको मिला, काफ़ी कम रेट में मिला। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा अनुमान तो लगा ही सकते कि ये लिकर फेक है। एंड इसके बाद इसका ही घर में उस दिन रात को प्रधान नगर का एक्साइज का जो टीम है, प्रधान नगर का एक्साइज टीम उसके पास जाके उसका घर से भी बहुत सारा फेक लिकर उन लोगों ने बजेप्ट किया है। वो जैसा जॉनी वॉकर ब्लैक लेवल है, डबल ब्लैक लेवल, ग्लेनफिरिच, रॉयल सैल्यूट जैसा हाई एंड लिकर, जिसका लगभग उन लोगों ने 35 लीटर तक उन लोगों ने लिकर वहाँ से सीज किया है, जिसका सीजिंग वैल्यू है 3,47,000, लगभग 3.5 लाख का उन लोगों ने सीजर किया है। और कर्शियंग में हम लोगों ने लगभग 2 लाख रुपया का फेक लिकर हम लोगों ने सीज किया है। ये हम लोग अभी जो एरेस्टी जो है मिस्टर विकी प्रसाद को, हम लोगों ने कर्शियंग कोर्ट में, हम लोगों ने वहाँ पे उनको कोर्ट में भेजा था और उसको 14 दिन के लिए उनको जेल हजत हुआ है। एंड फर्दर हम लोग उसको रिमांड में लेंगे, क्योंकि हम लोगों को जो लगता है और उनसे जो हम लोगों के पास जो सूत्र मुताबिक जो खबर आया है कि कलकत्ता का कोई, कलकत्ता से ये लिकर ट्रेड होके आता था, आने के बाद ये सिलीगुड़ी एंड हिल्स एरिया, बेसिकली कर्शियांग दार्जिलिंग में ये सप्लाई होता था। केमिकल टेस्ट करेंगे आप? ऑफकोर्स, अभी देखिए हम लोग वहाँ पे जाके हम लोग को जो हम लोग पहले देखते हैं उन लोगों का जो स्टॉक रजिस्टर और जो बेपको है, जो वेस्ट बंगाल स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड बोलता है, बेपको से सब दुकान को माल प्रोक्योर होता है। तो जब बेपको से कोई दुकान में माल आता है तो उसके अगेंस्ट में एक ट्रांसफ़र पास इशू होता है। वो ट्रांसफ़र पास में लिकर का प्राइस से लेकर उसका बैच नंबर एवरीथिंग वहाँ पर मेंशन होता है। तो हम लोग पहले वहाँ पर जाके उनका ट्रांसफ़र पास से मैच किया, तो ये जो लिकर मिला ये उनका ट्रांसफ़र पास में नहीं था। एंड देन हम लोगों ने उसका जो रजिस्टर होता है, स्टॉक रजिस्टर भी हम लोग देखा, जिसमें ये लिकर नहीं था। तो वहाँ से हम लोग ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये लिकर फेक है, क्योंकि इतना हाई एंड का लिकर इतना कम दम में तो कोई दे नहीं सकता। तो ये कब तक करेंगे केमिकल टेस्ट, कब तक होगा? केमिकल टेस्ट के लिए हम लोग ये मेनली मेरा कश्यंग में जो लिकर बजेप्ट हुआ है तो वो पेंड्रड रिकॉर्ड इंडिया का है। तो पेंड्रड रिकॉर्ड्स का जो उन लोगों के पास जो फ्रेश सैंपल होता है उसका तो एक केमिकल कंपोजिशन होता है, वही केमिकल कंपोजिशन के साथ हम लोग यहाँ से उसका सैंपल भेजेंगे। भेजने के बाद हम दोनों का केमिकल कंपोजिशन हम लोग एक साथ हम लोग मैच देखेंगे कि अगर एक साथ है या नहीं है। अगर नहीं है, सपोज ये तो फेक हो ही जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है, सिलीगुड़ी में भी चल रहा था, अभी कश्यंग में भी रिसेंटली इसका भी हम लोगों ने
पकड़ा है। और शायद आप लोगों ने सुना होगा कि सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी में एक फेक लीकर का एक स्मगल रैकेट चल ही रहा है, तो इसके अगेंस्ट में हम लोगों का जितना सारा ड्राइव चलता ही रहेगा और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसका जो किंग पिन है, किंग पिन को जितना जल्दी हो सके पकड़ने के लिए। जब तक ये पूरा खत्म नहीं हो जाता है तब तक वो तो दुकान तो खुलेगा नहीं, ये दुकान अभी तक जब तक ये केस कंप्लीट नहीं होता है फर्दर अंटिल ऑर्डर, ये दुकान का जितना सारा सेल है सेल अभी पूरा ऑफ है। लेकिन जो जो माल उस दुकान से आप लोगों ने चीज किया, खाली उसी एक ही दुकान को तो नहीं दिया होगा, दूसरा भी दुकान में दिया होगा ऐसा समझ। अभी 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 हम लोगों के पास हम लोग अच्छा कस्टमर कैसे पहचानेगा, कस्टमर को पहचानने के लिए मैं ये बात बोलूँगा कि बंगाल गवर्नमेंट के जो बेपको है, वेस्ट बंगाल स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, यहाँ से जो लीकर जो एक से एवरी सिंगल बॉटल ऑफ लीकर उसमें एक होलोग्राम रहता है, होलोग्राम के ऊपर एक क्यूआर कोड रहता है, ये क्यूआर कोड स्कैन करने के साथ साथ आपको वो लीकर का पूरा डिटेल्स का मैन्युफैक्चर हुआ, कौन सा बैच नंबर का है सब कुछ लिखा रहेगा। सबसे बड़ी बात उसमें लिखा रहेगा ऑथेंटिकेट बाई ई आबगाड़ी, ई आबगाड़ी इज़ अ पोर्टल जो एक्साइज डिपार्टमेंट यूज़ करता है, जो मदर पोर्टल है। तो मैं बोलूँगा कि अगर किसी को अगर ऑथेंटिसिटी अगर चेक करना है तो वो स्कैन क्यूआर कोड जो है उसको स्कैन करने से सब डिटेल्स उसको वहाँ से मिल जाएगा। हम लोगों का शौक इसीलिए हुआ है, गूगल के स्कैनर से कर सकते, कोई भी, हाँ फ़ोन में स्कैनर होगा, क्यूआर कोड स्कैनर, गूगल स्कैनर, एवरी स्कैनर में आप यहाँ पर अगर आप खुद भी कोई बोतल लेकर देख सकते हैं। ये ऑथेंटिसिटी है हम लोगों का, बिना होलोग्राम में कोई लीकर सेल नहीं होगा।